दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी से लोग काफी फायदा उठा रहे हैं, वही कभी कभी ये बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसे जानकर आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बता दें कि बुल्गारिया में एक महिला को अपना पर्सनल वीडियो पति को भेजना काफी पड़ गया। महिला अपना न्यूड वीडियो बनाकर अपने पति को भेज रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसका ये वीडियो लाइव स्ट्रीम हो गया। mirror.co.uk के मुताबिक काम के सिलसिले में घर से दूर रहने वाले पति को महिला अपना निजी वीडियो पति को भेज रही थी, लेकिन गलती से वीडियो लाइव स्ट्रीम हो गया और ये वीडियो महिला के लगभग 2000 फेसबुक फ्रेंड्स ने देख लिया। और इस बड़ी गलती के बाद महिला बेहद अपमानजनक महसूस कर रही है और किसी का भी सामना नहीं कर पा रही है। mirror.co.uk के मुताबिक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि उसका पति ब्रिटेन में काम करता है, जिसे वो बहुत याद करती है। महिला अपने पति को भेजने के लिए ये वीडियो बना रही थी और इस बीच उसका प्राइवेट मैसेज उसके पति को भेजने के बजाय गलती से लाइव स्ट्रीम हो गया और फेसबुक स्टोरी के रूप में अपलोड हो गया। कहा जा रहा है कि महिला की इस गलती से उसका पति नाराज हो गया है और वह उससे बात नहीं कर रहा। महिला ने सोशल साइट रेडिट पर एक पोस्ट लिखकर ये खुलासा खुद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि पढ़ाई के लिए उसका 20 वर्षीय बेटा, जो उससे दूर रहता है, उसने भी उस वीडियो को फेसबुक पर देख लिया है, जिसके कारण वह घर जाने से भी इनकार कर रहा है। महिला के बेटे का कहना है कि मैं अपनी माँ का सामना नहीं कर सकूंगा, कम से कम मैं 5 साल तक घर नहीं लौट सकूंगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।